हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आईपी सॉल्यूशन में। देखिए, बिहार दारोगा के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज हम ला रहे हैं आप लोगों के लिए। तो ये भाग दो है हमारा। इससे पहले एक भाग आया था जिसमें मैंने 50 प्रश्न जो है वो लाया था। तो हर वीडियो में मैं 50 प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। तो 50 में आपका स्कोर कितना आ रहा है ये कमेंट में आपको ज़रूर बताना है और वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है। तो दारोगा के लिए दो सेट हमारा आ रहा है, एक करंट अफेयर के लिए स्पेशल, उसमें भी 50 प्रश्न लाए जाते हैं और यहाँ भी 50 प्रश्न, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो दारोगा हो या बीपीएससी हो। तो आपको कोशिश ये करना है कि 50 में कम से कम आप 40 स्कोर जरूर कर पाएँ। तो ये चूँकि हमारा टेस्ट है तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर एक्सप्लेन भी करते चलिए, तो कोशिश ये करूंगा मैं कि कुछ कुछ एक्सप्लेन भी करते चलूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया, मतलब कि पाटलिपुत्र को सबसे पहले किसने अपनी राजधानी बनाई, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसका सही जो आंसर है वह ऑप्शन सी, उदयन ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। उदयन, या इसको उदयभद्र भी कहा जाता है, और मगध में इसने 460 से लेकर के 444 तक शासन किया था। तो देखिए, कहीं भी अगर डेटा से संबंधित कहीं भी कुछ भी आपके माइंड में डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताइए कि हाँ इसमें दिक्कत है, और दिक्कत के साथ साथ सबसे पहले आप ये चेक करें कि क्या सचमुच में यहाँ पे कुछ एरर है। आपके पास जो भी ऑथेंटिक सोर्सेस है उसको आप चेक कर लीजिए, इसके बाद कमेंट कीजिए। नहीं तो बहुत लोग फालतू कमेंट भी करते हैं बिना चेक किए हुए, और कोई सोर्स जो है वो पहले आप लोग देखिए कि मैं कौन से सोर्स का यूज कर रहा हूँ। जो ऑथेंटिक सोर्स हो, बिलीव करने लायक हो, उसी को जो है आप चुने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उदयन। ओके, ये उदयन जो है वो आजाद शत्रु का पुत्र था, और साम्राज्य विस्तार के कारण उसने गंगा सोन के संगम पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, अशोक के जो शिलालेख थे उसमें कौन सी भाषा है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, मैं 4-5 सेकेंड आपको टाइम देता हूँ हर टेस्ट में, तो इसमें भी मैं दूंगा, आप कमेंट में आंसर बता सकते हैं, या ये जो वीडियो है ये प्रीमियर लाइव में लॉन्च किया जाएगा तो आप वहाँ पे भी जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन बी, प्राकृत। ओके, अशोक के लगभग सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में, और इसकी जो लिपि है, लिपि में आपको कंफ्यूज नहीं करना है, इसकी जो लिपि है वो है ब्राह्मणी। ओके, ब्राह्मणी, तो ये आप याद रखेंगे, लिपि ब्राह्मणी और भाषा जो है वो है प्राकृत। केवल सहबाजगढ़ी ऐसा है, केवल सहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि खरोस्ती है, और कंदहार से यूनानी और आरामाइक द्विभाषा का लेख मिला है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये था चंद्रगुप्त। ओके, देखिए, मैसूर से प्राप्त कुछ अभिलेखों के अनुसार मैसूर में चंद्रगुप्त का शासन था, यहाँ पे चंद्रगुप्त का था। प्लूटार्क, जस्टिन और तमिल ग्रंथों के प्रमाणों से भी स्पष्ट होता है कि प्रथम मौर्य सम्राट ने विंध्य पार करके काफ़ी हिस्सों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है, तो देखिए यहाँ पे एक ये आंसर होना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं। ओके, इनमें से कोई नहीं, तो इसका मैं सही आंसर आपको बताता हूँ, इसका राइट आंसर क्या है। देखिए मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज का जो है वो सप्तवर्गीय विभाजन किया गया था, मतलब कि 7 वर्गों में विभाजन किया गया था। कौन कौन ये भी मैं आपको बता देता हूँ, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद, और यह वर्णन भारतीय जाति व्यवस्था को से जो है वो मेल नहीं खाता है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, और ये कौन कौन से हैं, ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, अंग है, मगध है, काशी, वत्स, कौशल, सूरसेन, पांचाल, कुरु, मत्स्य, चेदी, अवंती, गंधार,
कंबोज, असमक, वज्जी और मल। अब देखिए ये जो 16 महाजनपद हैं इन सब की राजधानी आपको जरूर याद रखनी है, राजधानी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है, सीता भूमि किसको कहा जाता था ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि कहा जाता है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा, ये आप याद रखेंगे, या इनको चाणक्य भी कहा जाता है, या इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त भी इनको कहा जाता है। ओके, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो देखिए इसका सही आंसर है धौलीवीरा में, धौलावीरा में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। धौलीवीरा गुजरात के कच्छ जिले में है, ये आपको याद रखनी है, और यहाँ के लोगों ने दीवार के अंदर 16 या उससे अधिक जलाशयों का निर्माण किया, और इसके लिए उन्होंने धारा पर अनेक बांधों का निर्माण किया और वेग रोकने के लिए श्रेणीबद्ध किया था इसको। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वैशाली। ओके, वैशाली 6ठी सदी ईसा में मगध के उत्तर की ओर बज्जी संघ स्थित था, और यह संघ 8 कुल के संयोग से बना हुआ था। इनमें 3 जो थे वो थे विदेह, बज्जी और लिच्छवी। लिच्छवी कुल की विशेष उल्लेख थी, जिसके नियंत्रण पर गौतम बुद्ध सॉरी निमंत्रण पे, इनके निमंत्रण पे जो है वो गौतम बुद्ध वैशाली गए थे, और वैशाली की ही थी, वैशाली की नगर वधु जो थी वो थी आम्रपाली। ओके, आम्रपाली जो इनकी शिष्या बनी थी, भगवान बुद्ध की शिष्या बनी थी, और इसको जो है वैशाली को विश्व का प्रथम गणतंत्र माना गया है। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? एक तो ये भी पूछा जाता है कि वेनसांग किसके दरबार में आया था, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया था, स्टडी किया था। तो देखिए यहाँ पे इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। ओके, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया था, नालंदा में लगभग 1.5 वर्ष तक इन्होंने अध्ययन किया था, और ये जो है हमें बताते हैं कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का विश्वविद्यालय था। आप लोग कमेंट में बताइए कि किसके दरबार में ये आए थे। जब उसने राजत्व तो प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी के लिए उसने कहा है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ओके, दास्ताने अमीर हमजा इनका चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अब्दुस समद के द्वारा। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी क्या कहलाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उसको चौधरी कहा जाता था। ओके, बर्नी ने जो है वो खुद मुकद्दम चौधरी की बार बार चर्चा की है। चौधरी परगना का वंशानुगत भू राजस्व पदाधिकारी होता था, और एक ये जो है मलिक, मलिक जो है ये सैन्य पद होता था। ओके, याद रखेंगे ये सैन्य पद होता था, और एक है पटवारी। पटवारी जो होता था वो ग्राम में भूमि रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है, जैसे अभी भी पटवारी की वैकेंसी छत्तीसगढ़ में निकलती है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इन सब में पटवारी की वैकेंसी निकलती है। जैसे हमारे यहाँ पंचायत लेवल का जो वैकेंसी आता है यहाँ पे पटवारी आता है। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से
एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैसूर। देखिए, कांग्रेस को वैधता दिलाने और उत्तरदायी सरकार की मांग को लेकर अक्टूबर 1937 में मैसूर में आंदोलन शुरू हुआ। इसमें एक व्यक्ति थे, उनका नाम था केटी भाषम। केटी भाषम की स्टेट कांग्रेस के सी रेड्डी और एच सी देसपा की पीपुल्स फेडरेशन की मुख्य भूमिका थी। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया, वे कौन थे? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं दारोगा में। तो देखिए, इसका सही जो आंसर है ऑप्शन ए, सीपी रामास्वामी अय्यर। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। 1905 में यह विभाजित हुआ, इसके बाद फिर सेकेंड टाइम इसका विभाजन कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1911 में इसका दोबारा विभाजन हुआ। दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में 1905 के बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और भाषाई रूप से अलग बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ, इसका सही आंसर है 13 अप्रैल 1919 को। मैंने बताया था मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो में कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को यह हुआ था। देखिए, पंजाब में जो अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को भारी भीड़ हुई थी, जिसमें डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी इनके विरुद्ध में है, इनके गिरफ्तारी के विरुद्ध में ये हुआ था यहाँ पे, और लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। जनरल डायर ने इस भीड़ पर गोली बरसाई और इसमें हजारों लोग मारे गए थे। अब आप लोग कमेंट में बताइए, मैं बता चुका हूँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया, वह आदेश है? तो इसका सही जो आंसर है वह ऑप्शन ए, गैर कानूनी संघ अध्यादेश। ओके, गैर कानूनी संघ अध्यादेश इसका सही आंसर होगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? इसका सही आंसर है चार्ली एंड्रूज। ओके, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज इनके करीबी मित्र थे। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया, ये थे सी राजगोपाला चारी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखिए, सी राजगोपालाचारी 1937 से 39 में मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। 1946 से 47 तक गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य रहे। इसके बाद 48 में 50 में भारत के गवर्नर जनरल पद पर ये रहे। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार का मतलब से निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अहिंसा। सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ, इन व्यक्ति का नाम बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड लिनलिथगो। देखिए, भारत सरकार अधिनियम के अंतिम चरण में भारत मंत्री ने मार्च 1933 में 1933 में श्वेत पत्र के प्रस्ताव के विचारार्थ ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया। लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में संयुक्त प्रवर समिति ने अक्टूबर 1934 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के आधार पर एक विधेयक
19 दिसंबर 1934 को प्रस्तुत किया गया और सम्राट से अगस्त 1935 में स्वीकृति प्राप्त हुई। पूना समझौता का उद्देश्य था, तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। अगस्त 1932 में, ठीक है, मैकडोनाल्ड घोषणा में हरिजनों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था थी। सितंबर 1932 में गांधी जी ने इसके विरुद्ध आमरण अनशन शुरू किया। अंत में पूना समझौता द्वारा मैकडोनाल्ड के प्रस्ताव में परिवर्तन किया गया और हिंदुओं के लिए संयुक्त निर्वाचक मंडल बने रहे, जिसमें अछूतों के लिए भी आरक्षित सीटें रखी गई थी। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना इसका सही आंसर होगा। 1927 की बटलर कमेटी का यही उद्देश्य था। ओके, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उचित, सॉरी यहाँ पे जो होगा उचित कर। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा जे बी कृपलानी। देखिए 1946 के मेरठ अधिवेशन के बाद जे बी कृपलानी कांग्रेस अध्यक्ष बने। विभाजन के प्रस्ताव को लेकर लॉर्ड माउंटबेटन ने इनसे भी बातचीत की थी। 1906 में मिंटो से शिमला से में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की। ओके, 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में एक 35 सदस्यीय शिष्यमंडल जो है शिष्टमंडल शिमला में वायसराय से मिला और यह धारणा व्यक्त की गई कि मुस्लिमों के विशिष्ट हितों की रक्षा के लिए मुसलमानों के लिए निर्मित पृथक चुनाव मंडल द्वारा ही संभव है। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। इसका सही आंसर है 1853 में। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण को। ये सब लोग जानते हैं। इनका जन्म जो है वो छपरा में हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म छपरा के सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन इसमें प्रमुख भूमिका निभाई। इसके बाद 1948 में कांग्रेस से मोह भंग होने पर सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। इसके बाद 1974 में इन्होंने संपूर्ण क्रांति की घोषणा की और ये लोकनायक से प्रसिद्ध हुए। झंडा गीत किसने लिखा है? ये लिखा है श्यामलाल प्रसाद जी ने। विजय विश्व तिरंगा प्यारा नामक झंडा गीत की रचना इन्होंने की है। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक जी ने यह कहा था। 1915-16 में लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने 2 होम रूल लीग के माध्यम से प्रचारित किया कि युद्ध के बाद भारत को होम रूल या स्वशासन दिया जाए। इसी के दौरान तिलक ने अपना ये नारा दिया था। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चौरी चौरा कांड के समय। ठीक है, अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? इसका सही आंसर है इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन
सी इसका सही आंसर होगा। इथाइल अल्कोहल को सुगर या स्टार्च के खमीरन द्वारा तैयार किया जाता है और इसके द्वारा जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनता है और जिससे जो है इथेनॉल को अलग करके शुद्ध किया जाता है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, क्या है? ये एक एस्टर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होगा? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी, बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? हवा में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो ये होती है रेडॉन, ये नहीं होती है। बाकी हीलियम, नियॉन और आर्गन ये होती है। वायुमंडल में आर्गन का प्रतिशत जो है वो 0.093 है लगभग। ओके, नियॉन की अगर बात करें तो नियॉन है 0.0018। ओके, हीलियम जो है वो है 0.0005। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? इसका सही आंसर है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। डार्विन के अनुसार विकास का कारण है? तो इसका सही आंसर है जीने के लिए संघर्ष, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखिए, डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में विकास का सिद्धांत बताया है। पहला है इसमें इनका सिद्धांत में अस्तित्व के लिए संघर्ष, दूसरा जो है वो है योग्यतम की उत्तरजीविता, तीसरा जो है वो है प्राकृतिक चयन। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं, त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन आते हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। पंचायती राज प्रणाली से संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो यह है चुनाव आयोग को। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? यह हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? तो यह है 25 वर्ष। बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था पिछले बार, 64th बीपीएससी में। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों इस पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो यह है ऑप्शन ए 13, आर्टिकल 13। राज्यसभा का सभापति कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। ओके, राज्यसभा का सभापति जो होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है और वह सदन में पदासीन होता है जो और जब जब तक किसी आकस्मिक रिक्त के दौरान वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता है तब तक वह उस सदन का पदासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो यह है संविधान, ऑप्शन बी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। कार्यपालिका जो है किसके अधीन कार्य करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विधान पालिका। ओके, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है, शून्यकाल का मतलब क्या होता है? तो इसका सही आंसर है प्रश्न उत्तर सत्र, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। देखिए,
दोपहर के 12 बजे प्रश्नकाल। ओके, प्रश्नकाल का समय समाप्त होने के बाद शून्यकाल जो है वो आरंभ होता है, जो 1 बजे तक चलता है। ये जो है वो 1 बजे तक चलता है। शून्यकाल के दौरान कौन सा मामला उठ खड़ा हो इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है राज्य सरकार का? तो इसका सही आंसर है राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में ही निहित होती है और राज्य की सभी कार्यवाही राज्यपाल के नाम से ही की जाती है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एडवोकेट जनरल। ओके, एडवोकेट जनरल। देखिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को राज्यपाल, एडवोकेट जनरल इसके पद पर नियुक्त कर सकता है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार को विधि संबंधी सलाह देने के लिए की जाती है। तो ये था 50 प्रश्न हमारा। 50 में आपका स्कोर क्या रहा ये बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सो थैंक यू।